सोशल मीडिया माध्यम राही देख रहे सारे व्यूअर्स नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। सो अज गल करांगे जी स्टूडेंट वीज़ा बारे, कनेडियन स्टूडेंट वीज़ा। सुपनिया दा देश, वीज़ियां दा देश कैनेडा। हर एक विद्यार्थी जिथे कैनेडा विच जाके पढ़ाई करना चाहता तो उन्हां दे परिवारक मैंबर भी चाहते हैं कि साडा परिवारक मैंबर कनेडा दे विच जाके पढ़ाई करे, पढ़ाई करके एक चंगी एजुकेशन लवे ते उस एजुकेशन दे नाल अपना चंगा एक भविख बना सके। सो जो गल करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, कई एप्लीकेंट्स के वीज़ा ग्रांट हो जाते हैं। सो कई एप्लीकेंट्स ऐसे रहिंदे आ जिन्हां दे वीज़ा रिफ्यूज़ होंदे आ, निराशा हाथ च लगती है जी। सो अजकल देखते हो कि बड़िया एप्लीकेशन आ रही जी। सो कई तरह के बच्चों के सवाल है, बच्चे वीज़ा रिफ्यूज़ करा के आते हैं। सो एक पार्ट है जी वीज़ा लगना तो वीज़ा रिफ्यूज़ होना। बट रिफ्यूजल किसी स्पैशल कारण करके आई हो या कोई कॉमन मिसटेक है अगर जिद करके वीज़ा डिकलाइन हो, दैट इज़ ओके। बट अजक जी चीज़ रिफ्यूजल देखने मिल रही है कि एजेंट की साफ साफ गलती है। ये मैं केस शेयर करूँगा। सो पहला प्रोफाइल है जी, बठिंडा का स्टूडेंट, प्लस टू 2021 पास आउट, आर्ट्स के सब्जेक्ट इधर रहा, खास मेजर कुछ भी नहीं, 72% पीटी स्कोर 60, नॉट लैस दैन 51। दैन एजुकेशन च गैप, एजेंट का नाम नहीं लूँगा जी, सेंट क्लेयर कॉलेज दिता, प्रोग्राम दिता जी हैल्थ सर्विसिज, आर्ट्स वाले बच्चे नू हैल्थ सर्विसिज प्रोग्राम दिता, दैट मीनस वो चंगा एजेंट सीगा, या तो वो एजेंट ने खुद एप्लीकेशन नहीं देखा, या फिर स्टाफ ने एप्लीकेशन की है जल्दी जल्दी प्रोसैस की है। वीज़ा रिफ्यूज, बच्चे नू फीस दे विचों 2 लाख रुपए का नुकसान होया, जो कि स्टूडेंट की अपनी वर्डिंग सी। दूजी बार एप्लीकेशन करना जी, बच्चा शैडन कॉलेज के, अगेन मैं दसूँगा, आर्ट स्टूडेंट, एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम, दूजी बारी फिर वीज़ा रिफ्यूज। मतलब कोर्स की रेलीवेंसी जी है बड़ा मेजर चीज़ देखने मिलन च आ रही है कि कोर्स रेलीवेंट नहीं लैके दे रहे एजेंट्स, जिदे करके काफ़ी बच्चों की फाइल रिफ्यूज़ हो रही। सो अल्टीमेटली देखा जाए कि 3 लाख रुपए का नुकसान होया जी बच्चे का, बट इन द एंड वीज़ा रिफ्यूज़ होया जी। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ना तो हैल्थ सर्विसिज प्रोग्राम चंगा, ना ही एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम चंगा। ये दोनों वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसैसिंग के बच्चे वीज़ा नहीं मिले, रिफ्यूजल हासिल हुई है। और इस तो इलावा दूजी प्रोफाइल की गल करते हैं जी, बी ए की 2018, 61%, 6.5 बैंड है जी इस बच्चे के, 6 ईच, कैंसले कॉलेज दिता किसी एजेंट ने, प्रोग्राम क्वालिटी अश्योरेंस कोर्स जिदे विचे वीज़ा बच्चे का रिफ्यूज़ होया। इंटरस्टिंग चीज़ की सी कि एजेंट ने कहा जी $2000 लगेगा जी पहले, जिदे विच तुहाडी एप्लीकेशन दी मैं प्रोसैसिंग करके तुहाडी सीट रिजर्व कर दूंगा। सीट रिजर्व करन दे नाल सीट तुहाडी पई रहेगी, एप्लीकेशन आपां प्रोसैस करांगे, वीज़ा लै सकदे आ। सो वह बच्चे की बी ए सिंपल 2018 पास आउट की क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम के एप्लीकेशन प्रोसैस किया, वीज़ा रिफ्यूज़ होया। रिफ्यूज़ होने तो बाद सेम काउंसलर की अपनी वर्डिंग सी जी, रीलॉज करते हैं फाइल में, वीज़ा मिल जाता रीलॉज करते, वीज़ा रिफ्यूज़। तीजी वारी बच्चे ने पूछा कि मैडम मेरा 2 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हुण की कीता जाए। सो वर्डिंग ए सी काउंसलर की कि एम्बेसी दे विच रश हुंदा, सो रिफ्यूजल लैटर नू कॉपी पेस्ट करके देंदे पे आ, बच्चे का 2 लाख का नुकसान। इंटरस्टिंग चीज़ इहदे विच की सी कि कुछ एजेंट की जो गलती है, बच्चे की एजुकेशन 2018 की, उस तो बाद स्टडी गैप सीगा, उहदे विच कुछ भी नहीं दिखाया गया। सो सिंपल जी चीज़ है जी, एजेंट ने अपने सिर्फ तो सिर्फ अपने फायदे के लिए एप्लीकेशन प्रोसैस किया, बच्चे की फाइल रिफ्यूज़ कराता। 2-3 मेजर चीज़ा देखने मिलती है। पहली गल ये है कि गैप की जस्टिफिकेशन प्रॉपर वे नहीं लगाई जाती। दूजी गल है कि कोर्स की रेलीवेंसी जी नहीं आ रही, जिदे करके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे। सो एजेंट की चोन जी है बड़ी सोच समझ के करो, ये भविख के नाल चीज़ जुड़ती। हुण लोगों के लिए की है कि एप्लीकेशन है, एक ताड़ी प्रोफाइल तुहाडा फ्यूचर है जी। सो इस चीज़ के विच हुण किसी बंदे की एक फाइल है, वीज़ा अप्लाई करा देंगे, लग जाएगा तो वाह वाह जी, ना लगा तो जो वे चार्जेस उन्हें वह करने हैं जी। सो जी एप्लीकेशन है 5.5 बैंड के कई एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने अवॉइड किया जाए। जेडे विद्यार्थी 1 या 2 मॉड्यूल से 5.5 बैंड है, वो कैनेडा लई एप्लीकेशन अपनी प्रोसैस ना करन। 6 ईच वाला बच्चा कैनेडा लई एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकता जिदे विच उन्हूं वीज़ा मिलेगा। सो बड़े बच्चों के होर सवाल सी कि पी टी नूं लैके, की पी टी के उपर कैनेडा के वीज़ास लग रहे हैं? बिल्कुल पी टी के कैनेडियन वीज़ास लग रहे हैं। इस टाइम बड़ा सोहना वीज़ा रिजल्ट है,
शर्त यह है जी फाइल में बड़े तरीके लॉज किया जाए और ये जी कोर्स की रेलीवेंसी इंपोर्टेंट है जिद वीज़ा ग्रांट होंगे है। सो जो गैप अगर किसी बच्चे का हैगा वो गैप की जस्टिफिकेशन अगर तरीके लाई जाए प्रोपर दसिया जाए कि मेरी इस पढ़ाई तो बाद मैं की किया एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकते हो वीज़ा लै सकते हो। और एक बड़ी खुशखबरी मैं दसना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि जेडे एप्लीकेंट्स तीन तो चार बार अगर रिव्यूज़ भी हो गए हैं स्टिल कैनेडा एप्लीकेशन प्रोसैस करना चाहते हैं तुम ओम ग्लोबल की माहर टीम को मिल सकते हो। चाहे तुम फ्रैश एप्लीकेंट हो एक बार रिफ्यूज़ हो दो वारी हो या चार वारी हो ओम ग्लोबल सितंबर इनटेक दाखला लैके देगा तो फीस लेगा वीज़ा लगन तो बाद तुसी यूनिवर्सिटी फीस भी नहीं देनी। जेकर तुसी ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो तो जी एस सी ऑलरेडी पेड हैगी है फीस भी ओम ग्लोबल देगा तुहाडे को चार्ज करेगा जी वीज़ा लगन तो बाद। सो जिहड़े एप्लीकेंट्स कैनेडा जाना चाहते हैं तुसी सिंगल अप्लाई करना चाहते हो तुसी फर्स्ट टाइम अप्लाई करना या फिर ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके हो सो एप्लीकेशन तुसी प्रोसैस करके वीज़ा हासिल कर सकते हो। इस तो अलावा कई बच्चों के सवाल रेंदे है जी प्लस टू 2021 पास आउट जेडे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं जी ताड़े क्वेश्चन का जवाब यह है कि ऑस्ट्रेलिया 2021 प्लस टू एक्सैप्टेबल नहीं है 22 दे विच जेडे पास आउट है कॉमर्स है मेडिकल है या नॉन मेडिकल वाला बच्चा है वो एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकता जी। बड़ा लिमिटेड जहा टाइम है जिद को प्रोपर डॉक्यूमेंटेशन है प्रोपर इनकम प्रूफ है प्रोपर फाइनैशियल है वो एप्लीकेंट्स ऑस्ट्रेलिया लिए अपलाई कर सकता है। आर्ट्स वाले बच्चे बिल्कुल भी अपलाई ना करन अगर तो 6 ईच बैंड स्कोर है वह बच्चा कैनेडा लिए प्रोसैस करे ऑल्टरनेट का यूके या फिर यूएसए लिए एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकता है। सो ये चीज़ा जीडिया बेसिक तुम्हें ध्यान च रखनिया पैनगियां जी। दोबारा एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया गल कर दिना प्लस टू एप्लीकेंट तुम 2019 पास आउट हो 20 हो 21 हो या 22 पास आउट हो ठीक है 6 ईच बैंड स्कोर के नाल अपनी कैनेडा लिए एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है जी इस टाइम वधिया रिजल्ट आ रहा है वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। ग्रैजुएट की गल करते हैं 2015 ऑनवर्ड एप्लीकेंट जिहड़े हैगे है 6.5 बैंड ओवरऑल 6 ईच दे नाल एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकते हैं जी और वीज़ा ग्रांट हुंदा। सो नैक्सट क्वेश्चन है जी यूएसए चांसिस देखो जी इस टाइम यूएसए के चांसिस बहुत वधिया मे दे विच इस टाइम ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट्स ओपन हो चुकी हैं बाकी रेस्ट ओपनली जी है मे स्टार्ट हो जाएगियाँ जिद अपनी यूएसए के लिए एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकते हो। कि चंगी न्यूज़ इंडिया के लिए कहना चाहूँगा कि 10 लाख एप्लीकेशन है जिन्हें वीज़ा ग्रांट हो जी जो यूएस की अपनी स्टेटमेंट हैगी है कि 10 लाख एप्लीकेंट में असी वीज़ा ग्रांट करा। सो जे विद्यार्थी यूएसए जाना चाहते हैं यूएस जाके पढ़ाई करना चाहते हैं सुनहरी मौका उन्होंने विद्यार्थियों के लिए तुम यूएसए अपनी एप्लीकेशन प्रोसैस करके वीज़ा हासिल कर सकते हो। और कंपेयर टू प्रीवियस ईयरस की गल करिए कि इस बार बड़े वे पद्धर से यूएसए वीज़ा ग्रांट करेगा। इंटरव्यू अपॉइंटमेंट किन्ने टाइम की मिलती है सो ब्रदर देखो ये अपॉइंटमेंट जी हैगी है टोटली एम्बेसी से डिपेंड करती है सो स्लॉट के उपर है एग्जाम्पल स्लॉट वीक ओपन हो जाते या 10 डेज अगर ओपन हो जाते हैं तो उदों ही मिल जाएगा ये कोई दिक्कत नहीं है। स्लॉट नहीं मिल रहे स्लॉट की कोई दिक्कत नहीं है जी ऑफिशियली अनाउंस किया मे दे हो जाएंगे। सो तैयारी रखो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो जो वीज़ा तुहाडे लग सकते हैं। यूके तो ऑस्ट्रेलिया का भी बिल्कुल कर सकते हैं जी नंबर 9161 9167 तुम कॉल कर सकते हो तुहानू प्रॉपरली इहदे च गाइड किया जाएगा। मास्टर्स कॉमर्स 19 आफ्टर दैट गैप ओवरऑल 62 नॉट लैस दैन 51 कैन आई अपलाई फॉर कैनेडा 19 तो बाद जी गैप की जस्टिफिकेशन चाहिए है 9161 9167 तुम कॉल कर सकते हो बिल्कुल एप्लीकेशन अपलाई कर सकते हो कैनेडा दे विच 51 दैट मीनस 36 ईच स्कोर है गया, बिल्कुल तुसी एलिजिबल है अपलाई कर सकते हो कोई ये प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो अज आप यूएस की गल की कैनेडा की गल की तो ऑस्ट्रेलिया की भी गल करा सो बड़ा वधिया मौका वो विद्यार्थियों के लिए जेडे स्पाउस एप्लीकेशन करना चाहते हैं सो वधिया रिजल्ट आ रहा जी इस टाइम स्पाउस नाल जा सकता सर कैन आई अपलाई विद गैप टू कवर द ऑलवे डिग्री फॉर फ्रॉम बच्चा प्लीज 61 ओवरऑल स्कोर है जी नॉट लैस दैन 57 नो गैप सो बिल्कुल एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकते हो जी ओम ग्लोबल की किसी भी नज़दीकी ब्रांच के जी सिटी के नियर हैगी अपॉइंटमेंट लैके विजिट कर सकते हो तो अपना वीज़ा प्रोसैसिंग के लिए इंफोरमेशन लै सकते हो डॉक्यूमेंट्स नाल लैके आइयो। सो एक चीज़ जी मेजर देखने मिलती है कि अगर बच्चा प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करा चुका है समटाइम की है स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स नाल नहीं लैके आता सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स नाल लैके आया करन जिदे करके कि जिहड़े भी तुहानू एडमिशन काउंसलर उस टाइम ते मिलूगे या कोई भी कंट्री हैड जिहड़े तुहानू मिलूगे
ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੈ, ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2021-12th ਪਾਸ, 1 ਈਅਰ ਗੈਪ, 6 ਈਚ PT ਸਕੋਰ, ਕੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ USA? ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਦਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 9161, 9167 'ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ PR ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।